हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ संजीव। सो आज वीकेंड है तो मैं थोड़ा सा चिल करने जा रहा हूँ और आपको लेके भी चलता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं, जाने के बाद मैं आपको बोलूँगा, ये आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज होगा। तो नया जगह जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ घूमने और आज वीकेंड भी है, थोड़ा मस्ती करते हैं। सीधा डालो फिर मस्त है ना। मैंने टेप किया ब्लू वाटर। सो गाइस, वेलकम बैक। मैं अभी दुबई में, अभी मैं दुबई मरीना पे हूँ। तो जो लोग दुबई के जो लोग हैं जो देख लें पहचान जाएंगे, तो मैं सस्पेंस खोल ही देता हूँ। अब लोग अभी ब्लू वाटर आइलैंड जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद ब्लू वाटर आइलैंड का पूरा डिस्क्राइब भी मैं करूँगा और दिखने में भी कैसा है आप देखोगे। सो मिलते हैं वहाँ जाने के बाद। ब्लू वाटर आइलैंड, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू वाटर आइलैंड। ये मैन मेकिंग आइलैंड है, इसको बनाया गया है, बहुत डिजाइन करके सुंदर करके बनाया गया है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा, चलिए। सो गाइस, ये जो आइलैंड है ब्लू वाटर आइलैंड, मैन मेड आइलैंड है, इसको लोगों ने बनाया है। मैं दिखाऊंगा कैसे इसको डिज़ाइन किया। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं और यहाँ पे फेमस जो तो पहुँच गए हम लोग ब्लू वाटर आइलैंड। सो गाइस, मैं पहुँच गया ब्लू वाटर आइलैंड। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो लाइक इसको क्या बोलते हो, चरखी टाइप बोलते हैं इसको, ये में ये नहीं है। इसमें बैठोगे ना, एकदम मेरे पीछे जो देख रहे हो मेरी दो राउंड, इसमें क्या होता है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आप इसमें बैठोगे ना तो पूरा दुबई आप देख पाओगे। और ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मेरे हम लोग यहाँ पे जब मेले पे जो होता है ना लाइक चरखी टाइप समथिंग, ये वो नहीं है, दूसरा कुछ है। सो मैं यहाँ पर पहुँच गया और ये देखिए, ये जो आप अम्ब्रेला टाइप देख रहे हो ना, छाता टाइप, ये कलरिंग के वजह से उसका जो लाइट आता है, लाइट जो गिरता है यहाँ पे पूरा पानी पे गिरता है, तो पूरा ब्लू लगता है वाटर। तो इसके लिए इसका नाम भी दिया गया ब्लू वाटर आइलैंड, मैन मेड आइलैंड। आप लोग देख सकते हो बहुत सुंदर सिनेरियो है। जो लोग प्लान कर रहे हैं दुबई के लिए, दुबई आएंगे घूमने के लिए, तो यहाँ पे गैस मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हो बिल्डिंग देख रहे हो, मुझे क्यों फील हो रहा है कि मैं लंदन आया हूँ।
कि ऐसा लंदन में मैंने देखा, वीडियो पे देखा, ऐसा सिनेरियो पे है, लाइक एक सरा एक तरह एक साइड से पूरा बिल्डिंग है, सामने पानी रहता है, तो आई फील लाइक दैट. आई मीन लंदन में, मैं लंदन में हूँ, बट एनी हाउ मैं दुबई पे हूँ, ब्लू वाटर आइलैंड पे. ये मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था, डोंट वरी, किसी लड़की ने नहीं बोला, मेरे एक दोस्त ने बोला था आप वहाँ पे जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, वीडियो शूट भी अच्छा रहेगा. और नो, जो लोग दुबई पे घूमने आते तो श्योर श्योर यहाँ पे आते, बट जिनको पता नहीं दुबई पे आ रहे हैं घूमने के लिए, आप ज़रूर यहाँ पे विजिट करना और फोटोशूट भी करना, आप बहुत बढ़िया फोटोशूट रहेगा. तो चलिए हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ब्लू वाटर आइलैंड. सो गाइस, यहाँ पे अगर आपको खाना है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और फॉरेनर रेस्टोरेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, टर्किश रेस्टोरेंट. तो मेरे वीडियो के जो वीडियो में देखती हूँ मैं, अब पता चल जाएगा आपको. और ये जो रेस्टोरेंट है, ये मैं सुना है, ये जो हम लोग इंडिया से फिल्म स्टार शिल्पा शेट्टी, उनका रेस्टोरेंट है, बसाना रेस्टोरेंट. तो अंदर जाके हम लोग देखेंगे ये रेस्टोरेंट, ये फिल्म स्टार शिल्पा शेट्टी जी का रेस्टोरेंट है. गेट दिस प्लेस, आप यहाँ पे आइए फोटोशूट, ये बहुत फोटोजेनिक जगह है, आप फोटोशूट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेमोरी भी बन जाएगा. मैं नीचे था, अभी मैं ऊपर आया हूँ, तो ऊपर से मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कैसे लगता है. इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वीडियो को छोड़ के ना मैं फोटोशूट करने लग गया हूँ, पोस्ट देने लग गया, तो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है. सच्ची बोल रहा हूँ. सो गाइस, मैं बोल रहा था आपको, अगर आप यहाँ पे आते हो ना ब्लू वाटर आइलैंड, ब्लू वाटर से आइलैंड से कुछ पैसे नहीं मिले प्रमोशन के लिए, जस्ट नॉर्मली बोल रहा हूँ, अगर आप दुबई पे हो या दुबई में विजिट पे आए हो तब ज़रूर विजिट करना. सच्ची बोल रहा हूँ, आपका सब जो प्रेशर जो भी है ना, जो हेडिक है, सब भूल जाओगे यहाँ पे आने के बाद. बहुत चिल मिल, मतलब यहाँ बहुत शांत है, आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे टाइम बिताओगे ना तो कंफर्टेबल लगेगा, कुछ माइंड फ्रेश होगा, कुछ अच्छा अच्छा सोच आएगा. और जो लोग पार्टी करना चाहते, ये तो ओपन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे है, आप वहाँ पे जाके तो ड्रिंक्स वगैरह भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए. और मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं ये जो वेदर है, जो हवा चल रहा है और ये जो सुंदर व्यू है, उसको देख के ही मैं बहुत खुश हूँ, बहुत माइंड भी मेरा फ्रेश हो चुका है. सो लेट पूरा दिखाता हूँ, आइए चलिए.
यहाँ पे देख सकते हो यच चल रहा है। आप इसमें अगर बुकिंग करके मतलब वीकेंड को 2-3 घंटे का बुकिंग करते तो वहाँ पे आपको ड्रिंक डिनर आराम से बैठ के खाना वाना खा सकते हो। आपको पूरा ये जो राउंड जाएगा और आपको फील होगा कि आप समुंदर में ही हो। तो ये देखिए बुकिंग करके आप लोग कर सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम जब विजिट करूँगा तो मैं ये करूँगा एक्सप्लोर करूँगा। सो गाइस मैं अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। डे टाइम में ठीक है। अभी रात हो गया तो अभी मुझे घर पे भी जाना है, खाना भी बनाना है और ये करना है, रेस्ट भी करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो पत्थर से डिजाइन करके बनाया गया है बीच को। तो अगर डे टाइम आते हो तो आप वहाँ पर जाके सनबर्न भी ले सकते हो और रेस्ट भी कर सकते हो। अभी तो बंद हो चुका होगा रात के टाइम। तो गाइस सब लोग देख सकते हो, अगर आप विजिट करते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर इस साइड में जरूर जाना। अगर डे टाइम में शाम टाइम में आएगा तो आपको आप अगर आते हो तो ये लाइक ये जो लाइट है लाइटिंग है इसका मजा ले सकते हो। फोटो भी अच्छा आएगा, दिन में भी आएगा बट रात को ज़्यादा ना लाइट लगा है तो फोटो में भी आपको अच्छा फोटोशूट भी आपका अच्छा हो जाएगा। सो गाइस ये मेरा जर्नी आज इतना तक। मैंने पूरा आपको दिखाया कैसे ब्लू वाटर आइलैंड है, आपको पूरा व्यू दिखाया। अगर आप आ रहे हो कैसे आओगे, मैं जो आपको जो वीडियो अपलोड करता हूँ ना मैं सस्ते में कैसे मतलब लोग विजिट करने जाएंगे तो उस हिसाब से मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं इतना पॉश नहीं हुआ हूँ तो मैं भी सस्ता करता था, इंडिया में भी करता था। तो मैं आपको बोलूँगा कैसे क्या करना है तो आपको भी ईजी रहेगा, आप कैसे एक्सप्लोर करोगे दुबई को। सो अगर आप दुबई मरीना से अगर आते हो मतलब मेट्रो से उतर से दुबई मरीना से आते हो तो आपको ज़्यादा पैसे से मुझे मतलब ग्राम खर्चा 20-22 दिराम लग गया। अगर आप JLT मेट्रो से उतर कर अगर आप आते हो तो आपको 12 या 13 दिराम में आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। और बाकी कल हो सके तो मैं नया और वीडियो अपलोड करूँगा। कहाँ जाऊँगा या प्लेस ये रहने दीजिए, सरप्राइज रहने दीजिए। सो और गाइस प्लीज़ यार अगर हमको वीडियो अच्छा लगता है अगर नहीं भी अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं इस वीडियो को बहुत यूट्यूब चैनल को बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ, बहुत सपना है मेरा। तो प्लीज़ मेरे जो दोस्त है जो व्यूअर्स है प्लीज़ लाइक करना शेयर करना तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़्यादा और दुबई को एक्सप्लोर करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। और एज ए बेंगोलियन आज मैं ऑल माई बॉन्ड फ्रेंड आज बेंगोली हैप्पी न्यू ईयर है, लाइक विशिंग ए वेरी शुभ न्यू ईयर नव वर्ष। सो आज बेंगोली न्यू ईयर है। सो ऑल माई बेंगोली फ्रेंड्स मैं सबके लिए बोलता हूँ विशिंग ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे जो छोटो जरा आदि सबाई हमारे भलोबासा बड़ो के प्रणाम एंड ये भलोबासा देवें। तो आजकल जो अतरुक सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।